नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। मध्य प्रदेश में खरगोन के रोडियो के करीब एक बस पुलिया से नीचे गिर गई। बस में करीब 25 लोग सवार थे। इस हादसे में 8 मुसाफिरों को चोट आई है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में गणेश विसर्जन के दौरान दो अलग अलग घटनाओं में 4 लोग डूब गए। इनमें 2 का शव पुलिस ने बरामद कर लिया, जबकि 2 लोगों की तलाश जारी है। कावेरी नदी के जल विवाद को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी चरम पर है। आज इस मुद्दे को लेकर कर्नाटक बंद का फैसला किया गया है। अब बेंगलुरु पुलिस ने कावेरी जल मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे कन्नड़ समर्थक संगठनों के सदस्यों को हिरासत में लिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी के लचित घाट में 10 कैंटनमेंट जहाजों, 3 टांग नौकाओं और 1 खोज और बचाव जहाज के शुभारंभ में भाग लिया। सीकर के बीजेपी सांसद सुमेधानंद सरस्वती को एक महिला ने फोन पर धमकी दी और पैसों की डिमांड की। इस दौरान महिला ने सांसद को अपशब्द भी कहे। सांसद की शिकायत के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ अनबन की खबरों के बीच राजस्थान की पूर्व सीएम रही वसुंधरा राजे एक बार फिर रेस में वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। भारत के लिए चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स शानदार साबित हो रहे हैं। भारत अब तक 8 गोल्ड, 11 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुका है। 31 मेडल के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी लिस्ट के पहले कयास और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि बीजेपी कई और सांसदों को जिम्मेदारी दे सकती है। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के अंतिम दिन कारोबार की ठीक शुरुआत की। आईटी शेयरों पर बरकरार प्रेशर के बीच बीएसई सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी आज शुक्रवार को ग्रीन जोन में खुले हैं। एशिया के 2 सबसे बड़े मुल्कों भारत और चीन के बीच लगभग 2.5 साल से सीमाओं पर विवाद है। भारत चीन की चालों से निपटने के लिए खुद को फ्रंटलाइन पर मजबूत करता जा रहा है। देश भर से गणेश उत्सव के विसर्जन की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। गणेश प्रतिमाओं को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा नजर आए। संजय राउत ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ने गुरुवार को अपनी पार्टी शिवसेना की किसान शाखा शेतकरी सेना द्वारा शुरू की गई राज्यव्यापी शेतकरी संवाद यात्रा को हरी झंडी दिखाई। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार शिवसेना विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं के संबंध में जिरह 23 नवंबर से शुरू होगी। महाराष्ट्र के कर्जत जामखेड़ से विधायक रोहित पवार ने एमपीसीबी की नोटिस मिलने पर महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया और कहा है कि यह राजनीति से प्रेरित होकर किया गया है। अमरनाथ में गणपति बाप्पा के सामने रखा मोदक 152,000 रुपए में नीलाम हुआ। अमरनाथ पश्चिम के खाटू श्याम मित्र मंडल ने वर्षों की परंपरा को कायम रखते हुए नीलामी आयोजित। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विवादास्पद सांसद रमेश बिचूड़ी को राजस्थान के टोंक जिले में चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने के लिए बीजेपी की आलोचना की है। एनसीपी ने कहा है कि दागियों को बीजेपी में पदोन्नति मिलती है। मुंबई में गुरुवार को गणपति बाप्पा को विदा किया गया जा रहा है। इसी बीच मुंबई के जुहू बीच में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। विसर्जन के दौरान जुहू तट पर बिजली गिरी, जिसकी चपेट में एक वॉलंटियर आ गया। शाहरुख खान के जवान बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 1,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। बीते दिन कंगना रनौत स्टार फिल्म चंद्रमुखी 2 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। ये फिल्म तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषा में रिलीज हुई है। कंगना और राघव लॉरेंस की ये मूवी हॉरर, रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा का कॉकटेल है। हालांकि फिल्म की ओपनिंग कुछ खास नहीं रही। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यही लगातार चलता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।